Class 4 students, so today we will learn our chapter 3, that is our extended family from unit 1, that is family and friends. So let's start the chapter. So our extended family it means ki hamari jo bhi family jo vistrit family hoti hai, parivar hoti hai, uske bare mein padhna hai. To wo hoti kya, extended family kya hoti hai, wo hum aage janenge, but pehle yahan kuch questions hai, uske hum answer kar lete hain. To first hai, What kind of family do you live in? आप किस टाइप की फैमिली में रहते हैं? आपकी फैमिली स्मॉल है या जॉइंट है? तो आपको जो भी लिखनी है आप यहाँ लिख दीजिएगा. जैसे मेरी फैमिली जॉइंट है तो मैंने यहाँ लिख दिया जॉइंट फैमिली. अब है नेम द फैमिली मेम्बर्स हु लिव विद यू एट होम. अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके साथ कौन कौन रहते हैं, आपको उनका नाम लिखना है. जैसे अंकल, आंटी, मम्मी, पापा, भाई बहन या फिर कज़न. तो वैसे ही अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते तो आपको लिखना होगा आपके साथ कौन रहते हैं, मम्मी, पापा, आप, आपके भाई बहन. तो आप यहाँ उनका नाम लिखिएगा. थर्ड है नेम थ्री ओकेज़न इन ऑन विच यू मीट योर अंकल, आंट और कज़न. आपको ऐसे तीन ओकेज़न, तीन सेलिब्रेशंस के नाम बताने हैं जब आप अपने कज़न से, अंकल आंटी से मिलते हैं. तो यहाँ कुछ भी हो सकता है. मैंने लिखा है होली, दीपावली और न्यू ईयर. ये तीन फेस्टिवल हैं, ओकेज़न है जब हम अपने कज़न, अंकल, आंटी से मिलते हैं. फिर हैव यू एवर अटेंडेड अ फैमिली वेडिंग. क्या तुमने कभी अपने फैमिली में किसी वेडिंग को अटेंड किया है, किसी शादी में गए हो? तो यस, हाँ मैं गई हूँ. आप गए हो या नहीं? अगर आप नहीं गए तो आप नो लिखिएगा. अब एक्सटेंडेड फैमिली. तो एक्सटेंडेड फैमिली अब हमें यहाँ जानना है. तो हमारे पेरेंट्स और हमारे भाई बहन ये सब क्या हैं? हमारे खुद के पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हम जो सिबलिंग हैं, ये हम लोग क्या हैं? ये हमारी इमीडिएट फैमिली है. ऐसी फैमिली क्या होती है? इमीडिएट फैमिली. इट मीन्स जो स्मॉल फैमिली होती है उसको हम इमीडिएट फैमिली भी कह सकते हैं. और फिर है एक्सटेंडेड फैमिली. इट मीन्स कि जो हमारी जॉइंट फैमिली होती है, जैसे जॉइंट फैमिली में कौन कौन, हमारे मम्मी पापा, हमारे सिबलिंग्स को छोड़ के जो हुए, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हुए, अंकल, आंटी या फिर कज़न्स, ये सबको हम क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली. यही लोग को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली. मतलब जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं अदर देन हम, हमारे मम्मी पापा, तो ये क्या है? एक्सटेंडेड फैमिली. एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे आते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंटी, हमारे कज़न, ये सब हुए हमारी एक्सटेंडेड फैमिली. और इमीडिएट फैमिली में हमारी स्मॉल फैमिली में जो रहते हैं, जैसे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, ये क्या हुए? इमीडिएट फैमिली. तो अब है कि हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट, अंकल, आंटी, कज़न्स, ये सब क्या है? इनको हम अपने रिलेटिव्स भी कह सकते हैं. इनको हम क्या कहेंगे? अपने रिलेटिव्स. अब है कि मम्मी की फैमिली में, मतलब मैटरनल फैमिली, मतलब क्या, हमारी माँ की फैमिली, जैसे माँ की माँ, पापा, भाई बहन, वो लोग क्या है? मैटरनल फैमिली. तो मैटरनल फैमिली में माँ की फैमिली इंक्लूड होती है, जैसे मम्मी के पेरेंट्स और उनके भाई बहन, वो क्या होंगे? हमारे मैटरनल रिलेटिव. वैसे हमारे पापा के फैमिली में जो मेंबर्स इंक्लूड होंगे, जैसे पैटर्नल, उनको क्या कहेंगे हम? पैटर्नल फैमिली. और जो पापा के जो पेरेंट्स होंगे या फिर उनके सिबलिंग्स, मीन्स भाई अपने या फिर जो बहन होंगी, उनको आप क्या कहेंगे? पैटर्नल रिलेटिव्स. तो अब यहाँ आपको कह रहा है कि आप जो है अपने मदर टंग में, मीन्स आप अपनी भाषा में, आप ये रिलेटिव्स को क्या पुकारते हैं. जैसे फर्स्ट है मैटरनल ग्रैंड मदर. इट मीन्स, सॉरी, इट इज़ मैटरनल ग्रैंड फादर. तो इट मीन्स क्या कि आप अपनी मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? तो आपकी मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे? आपके मदर टंग में नाना. तो आप क्या बोलेंगे? नाना जी. वैसे ही यहाँ सेकेंड है मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी. थर्ड है मैटरनल अंकल. तो माँ के जो अंकल होंगे वो भी हमारे क्या होंगे? नाना ही होंगे. मैटरनल आंट, मम्मी की जो आंटी होंगी वो हमारी नानी होंगी. पैटरनल ग्रैंडफादर, पापा के जो पापा हैं वो हमारे क्या होंगे? दादाजी होंगे. पैटरनल ग्रैंड मदर, इट मीन्स पापा की जो माँ है वो हमारी दादी माँ है. वैसे पैटरनल अंकल, पापा के जो अंकल हैं वो भी हमारे दादाजी होंगे. पैटरनल आंट, इट मीन्स उनकी माँ, पापा की सॉरी आंटी, इट मीन्स दादी. तो यहाँ पे हमने रिलेशंस को देखा, वो भी अपने
मदर टंग में, इट मीन्स कि हम उन्हें अपने मदर टंग में क्या पुकारते हैं। अब हमें यहाँ देखना है स्पेशल फैमिली ओकेजन्स, इट मीन्स कि जो फैमिली में हम साथ रहते हैं या फिर दूर भी रहते हैं, तो जब कुछ ओकेजन होता है तो हम उस टाइम क्या होते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं। वो ओकेजन कुछ भी हो सकता है, बर्थडे, शादी, तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो हमारी जो फैमिली होती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, जब भी हम हमारे साथ कोई भी खुशी का माहौल हो या फिर कोई भी गम का या दुख का टाइम हो, तो हम क्या करते हैं, हम सब अपनी फैमिली को याद करते हैं, हम सब इकट्ठा होते हैं और साथ सब क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हो हम लोग सब साथ मिलके ही उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मोस्टली हम लोग क्या होते हैं कि सिंगल स्मॉल फैमिली में रहते हैं, तो जब कोई ओकेज़न होता है जैसे बर्थडे पार्टी हुआ या फिर किसी की शादी हुई अपनी फैमिली में, या फिर कोई न्यू मेम्बर्स ही आया, कोई छोटा सा बाबू कोई बॉर्न किया, या फिर ऐसे कोई भी सेलिब्रेशंस हो, तो हम क्या करते हैं, सारी फैमिली एक जगह इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं और फिर उस सेरेमनी को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बहुत ही खुशी और हैप्पीनेस जॉय के साथ। अब हमें यहाँ देखना है लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, इट मीन्स कि हम क्या होता है एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं, तो हम क्या है, हम अपनी फैमिली में बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे यहाँ कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट है वी लर्न टू शेयर प्रॉब्लम एंड हेल्प इच अदर इन डिफिकल्ट टाइम। हम जब साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, शेयर करना सीखते हैं और एक दूसरे का हेल्प करना उनके मुश्किल वक्त में सीखते हैं। फिर है वी लर्न द रूल्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। हम जिस फैमिली में रहते हैं, हमारा जो ट्रेडिशन है, हम क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली से वो सीखते हैं। हम अपनी फैमिली के अच्छे वैल्यूज़ को भी सीखते हैं, जानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। हम अपने हर खुशी के टाइम या फिर कोई भी दुख का वक्त हो, हम सब साथ मिलकर रहते हैं और साथ देना सीखते हैं एक दूसरे का। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेवारियाँ। और लास्ट है वी लव टू लिव इन पीस एंड हारमोनी, इट मीन्स कि जब हम साथ होते हैं, हम सब क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो हम शांति से रहना और खुशी से रहना भी सीखते हैं। तो ऐसे आप और भी बहुत कुछ अपनी फैमिली से सीखते हैं, जो आपको क्या है, आपको बताना है मुझे कि आप क्या क्या सीखें अपनी फैमिली में रह के। अब है डिसीज़न मेकिंग इन द फैमिली। तो जब भी कोई कुछ चीज़ होता है जो डिसाइड करना होता है, तो सब क्या होते हैं फैमिली में, सब मिलजुल कर डिसाइड करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमारी फैमिली मेम्बर्स में जब भी कोई इम्पॉर्टेंट बात चलती होती है, तो उसमें फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, यही टाइम होता है डिसीज़न मेकिंग का, जहाँ सब इकट्ठा बैठ के किसी बात पे डिसीज़न लेते हैं, सोचते हैं और फिर उसको फॉलो करते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को हमेशा कंसल्ट करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं या फिर क्या सही कर रहे हैं। और बच्चों को भी इंक्लूड करना चाहिए जहाँ उन्हें लगे कि हाँ ये भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, या फिर वो जहाँ ज़रूरी फील हो। तो जब हम डिसीज़न में लेकर साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं, तो उससे क्या आता है कि हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हम जब कुछ फैसला लेते हैं, कुछ डिसीज़न लेना होता है, तो हमारी जो डिसीज़न होती है वो क्या होती है, अच्छी चॉइसेस होती हैं उसकी, हम अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। और यूजुअली हम ये देखते हैं कि जब हमें कुछ चाहिए होता है या फिर हमें कोई डिसीज़न लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर के जो सबसे बड़े हैं उनसे डिसीज़न लेते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो काफ़ी दिन से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो हमें अच्छा डिसीज़न दे सकते हैं। अब है फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। अब हमें फैमिली के ट्रेडिशन, हमारी फैमिली की क्या वैल्यूज़ है, क्या संस्कार है, क्या परंपरा है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, जानना है। हमारे फैमिली में जब भी कोई रिचुअल्स होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है, तो वो हम जैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसी सेम वे में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, सेम वैसे वो क्या होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होते चले जाते हैं। इट मीन्स हमारे दादा दादी अगर कोई ओकेजन को जैसे सेलिब्रेट करते हैं, उन्होंने हमारे पेरेंट्स को जैसे सिखाया होगा, फिर हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, वही चीज़ हमें बताएंगे, हमें सिखाएंगे, फिर हम भी सेम ट्रेडिशन, सेम फंक्शन का तरीका जो होगा, हम भी क्या करेंगे, सेम उसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कुछ ट्रेडिशनल्स वैल्यूज़ हैं जो
हर जनरेशन में पास होते चली जाती है। हम अपने पेरेंट्स से वो चीज़ लेते हैं और सीखते हैं। फिर है कि हमें हमारी जो फैमिली के ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, हमारी जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम सब जब मिलते हैं तो उससे हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बना रहता है, हम सब सिक्योर फील करते हैं, साथ रहते हैं, खुश रह सकते हैं। और जब गुड अच्छी वैल्यूज़ क्या होंगी, वो पास होती रहेंगी फैमिली में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हमारी वैल्यूज़ अगर ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी आगे, तो हमारी सोसाइटी भी क्या होगी, उसमें भी अच्छी चेंजेस आएंगी और हमारा सोसाइटी भी दिन पर दिन अच्छा डेवलप करेगा। तो आवर वैल्यूज़ हमने इस चैप्टर में सीखा क्या है, तो हमने इस चैप्टर में ये जाना है कि हम जब भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, साथ हमें रहना चाहिए, हमें साथ में अच्छे से प्यार से शांति से खुश रहना चाहिए। और जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसमें हमें अपना रिलेशनशिप को हमेशा अच्छा हेल्दी बना के रखना चाहिए और हमेशा अपनी फैमिली मेम्बर्स में एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए। हमें अपने रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन में उसको एक्सटेंड करते जाना चाहिए, पास करते जाना चाहिए। सो थैंक यू, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।